सोलन में पंजाबी महासभा द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता की अध्यक्षता प्रवक्ता भरत साहनी ने की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि संस्था द्वारा 8 मई को साईं संध्या का आयोजन किया जाना था, लेकिन मौसम के बदले मिजाज की वजह से साईं संध्या को अब 10 मई को आयोजित किया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भजन गायक जॉनी सूफी साई भजनों से सभी को भक्ति रस में सराबोर करेंगे। इस मौके पर संस्था के प्रवक्ता साहनी ने बताया कि पंजाबी महासभा द्वारा 10 मई को साईं संध्या का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में जगह जगह दान पात्र लगाए जाएंगे। इन दान पात्रों में जितना भी पैसा एकत्रित होगा उसे नौणी के एक जरूरतमंद परिवार को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि परिवार में महिला जो खुद हार्ट की मरीज है, जिसका पति दुर्घटना में घायल है और आईजीएमसी में भर्ती है, वहीं महिला का बेटा दुर्घटना के कारण 100% पैरालाइज हो चुका है, जिसके पास इलाज के लिए पैसा भी नहीं बचा है। इसलिए वे सोलन की जनता से अपील करते हैं कि वे साईं संध्या में भाग लेकर इस जरूरतमंद परिवार की सहायता अवश्य करें। इस एक साईं संध्या से हर भांति हम एक ना एक उद्देश्य लेकर चलते हैं, तो इस बार का जो उद्देश्य हमारा है वो एक टिल्लू देवी हैं हमारी बहन जी, जो कि नौनी से संबंध रखती हैं। उनके जो हस्बैंड है उनकी थोड़ा बीमार रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं और वो भी बेड रिटन है। दूसरा उनका जो बेटा है वो अभी किसी एक्सीडेंट में उसको पैरालिसिस हो गया, वो भी बेड रिटन है। वो खुद भी हार्ट की पेशेंट है और आर्थिक तौर पे वो कमजोर हैं। उनको सहायता प्रदान करने के लिए हम लोग यहाँ पर डोनेशन बॉक्सेस लगाएंगे। जो भी राशि हमारे दान पत्र में एकत्रित होगी और जो हमारे संगठन तय करेगा उसमें डाल करके हम उनकी आर्थिक सहायता भी करने वाले हैं।